मोती शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोपराइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा जिला कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने बताया कि दुमका विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया है कि जिला प्रशासन जामताड़ा से दुमका से मिलने वाली सीमाओं को सील करने की मांग की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश दुमका विधानसभा में नहीं हो पाए। सत्ताधारी दल के द्वारा लगातार सत्ता का दुरुपयोग करने का खबर मिल रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन जामताड़ा से मांग की गई है कि अति शीघ्र जिले के सीमाओं को सील कर अनाधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोका जाए एवं असामाजिक तत्व का प्रवेश नहीं हो पाए, ताकि दुमका विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। पूछने पर श्री सिंह ने बताया कि दुमका विधानसभा उपचुनाव एवं बेरमो दोनों ही विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होंगे। सत्ताधारी दल के द्वारा जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। दुमका एवं बेरमो की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों ही सीट पर भारी मतों से विजयी होंगे। प्रतिनिधि मंडल में रंजीत प्रसाद यादव, अनूप पांडे, पिंटू गुप्ता शामिल थे। दुमका और बेरमो विधानसभा का जो चुनाव कल होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी मतों के अंतर से जीतने जा रही है, लेकिन झारखंड सरकार और इनके सहयोगी दल के लोगों के द्वारा, जैसे कि कल रात को जो घटना घटा, दुमका विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्व जो है कल पैसे के साथ, फुटबॉल के साथ, जर्सी के साथ पकड़े गए। कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि सूचना हम लोगों को मिल रही है कि जामताड़ा जिला जो दुमका विधानसभा से सटा हुआ है, तो आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय जामताड़ा, आरक्षी अधीक्षक जामताड़ा से मिल करके एक ज्ञापन हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से दे रहे हैं कि जामताड़ा जिले के जो सटा हुआ क्षेत्र है, जो मसलिया से और दुमका से जो सटा हुआ है, ऐसे जगहों को जो है चिन्हित करते हुए प्रशासन जो है उसको सील करने का काम करे, ताकि जामताड़ा जिले से असामाजिक तत्वों का प्रवेश जो है दुमका विधानसभा में नहीं हो और दुमका विधानसभा चुनाव जो है शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से हो। और हम लोग इसी के मद्देनजर नज़र रखते हुए आज हम लोग SP साहब और DC साहब को ज्ञापन दे रहे हैं।